गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे हम पहले हमने पाठ पढ़ा था बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो राजेश जोशी जी द्वारा लिखित है। और उसमें उन्होंने समाज से एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है कि इस सभ्य समाज में बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार क्यों नहीं है, समाज के कुछ बच्चों से काम क्यों कराया जा रहा है, क्यों वो बच्चे इतने मजबूर हैं कि वो पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की जगह काम पर जा रहे हैं, ऐसा उनके साथ क्यों होता है और उन्हें उनके अधिकार क्यों नहीं दिए जाते। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जिसके उत्तर आपको सोच समझकर खुद अपनी भाषा में लिखना है और अपने भावों को व्यक्त करना है। पहला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। हम सभी एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ एक दूसरे के सुख दुख और परेशानियों के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, तो हम भी अपने प्रतिदिन के जीवन में रोज आते जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं और हम छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखते भी हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ये कुछ बच्चे काम पर जाने के लिए क्यों मजबूर हैं। इस उदासीनता माने हम उनके प्रति कोई भी अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका कुछ क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि आजकल ये भौतिकवादी समाज है जहाँ लोग स्वार्थी हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, सिर्फ अपने से ही मतलब रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में जो कुछ भी विचार हो, इसके और क्या कारण है, उस आप अपनी भाषा में लिखिए, समझिए और अपने भावों को व्यक्त कीजिए। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। आप सब अपने घर से निकलते हो, बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप सबको ये सुविधा मिली हुई है, तो आप अपने घर से स्कूल तक के रास्ते में, आप और कभी भी कहीं भी घर से जब बाहर जाते समय, हम कई ऐसी जगहें देखते हैं जहाँ पर हमें छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए या काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे आप जानते हो ना, बहुत सारी जगहें हैं, कई कई तो घरों में अपनी माओं के साथ भी छोटे बच्चे बच्चियाँ काम कराने के लिए, मदद कराने के लिए आते हैं, होटलों में दिख जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं समाज में जहाँ पर हम इन बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। तो आप सब लिखिए कैसी वो जगहें हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने की जगह काम करने के लिए जा रहे हैं, और उनको देखकर आपके मन में किस तरह का भाव आता है। आप अपने विचारों को लिखिए और प्रस्तुत करें। थैंक यू।